हेलो किड्स, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 15 कम हुई दूरियां के पेज नंबर 122 से शुरू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में पेज नंबर 119 से 121 तक कर लिया था। पढ़ते हैं सफर रेलगाड़ी से। नई दिल्ली से चलने के लगभग 2 घंटे बाद उनके डिब्बे में टिकट चेकर आया। टिकट चेकर कौन होता है? टिकट चेक करने वाला कि सभी के पास टिकट है या नहीं है, कोई बिना टिकट के तो नहीं चढ़ गया है ट्रेन में। और उसने सभी के टिकट देखे। रेलगाड़ी तेजी से जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, बिजली के खंभे आदि पीछे की ओर भाग रहे हैं। ऐसा ही लगता है ना। नदी पर बने पुल से गुजरते समय धड़ धड़ की आवाज आने लगी। कोमल और उसकी बहन तो डर ही गई थी। कोमल ने पापा से पूछा, वे बस से क्यों नहीं आए? पापा ने बताया, नई दिल्ली से बेंगलुरु लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, इसीलिए हम रेलगाड़ी से जा रहे हैं। यह बस से जल्दी पहुंचाती है। वैसे तो हम हवाई जहाज से भी जा सकते थे, वह रेलगाड़ी से भी जल्दी पहुंचाता है, लेकिन हवाई जहाज का किराया बहुत अधिक होता है। अब यहाँ देखो क्या बताया, यहाँ बताया है कि जो हवाई जहाज है वह रेलगाड़ी से। पेज नंबर 123 देखो क्या लिखा है, यातायात के इन साधनों को धीमी गति से तेज गति के क्रम में लिखो। ये दिए हुए हैं कुछ यातायात के साधन, इनको धीमी से तेज गति में लिखना है, के क्रम में लिखना है, ठीक है। अब देखो इनमें सबसे धीमी गति से कौन सा वाहन चलता है? हवाई जहाज, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, ऑटो रिक्शा, बैलगाड़ी। तो सबसे धीमी बैलगाड़ी चलती है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हमने लिखना है बैलगाड़ी, उसके बाद साइकिल, फिर ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा से तेज चलती है मोटरसाइकिल, और उससे तेज रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी से भी तेज हवाई जहाज, है ना। अभी कोमल के पापा ने भी बताया था ना। चलिए आगे देखते हैं। बेंगलुरु स्टेशन पर कोमल के मामा उन्हें कार से लेने आए थे। कुछ देर बाद वे नाना जी के घर पहुंचे। उसके मामा की शादी बेंगलुरु के पास एक गांव में तय हुई थी। यह गांव समुद्र के किनारे पर है। उन्हें वहां बारात में जाना था। गांव जाते समय रास्ते में उन्होंने एक छोटी बड़ी नाव और समुद्री जहाज देखे। शादी के बाद कुछ दिन बेंगलुरु घूमकर वे घर वापस आ गए। देखो अब आओ ये भी करें। क्या लिखा है? नंबर एक पर अपने घर से नाना के घर तक कोमल ने आने जाने यातायात के कौन से साधन देखे, लिखो। देखो सबसे पहले कोमल ऑटो रिक्शा करके कहाँ पहुँचते हैं? वो बस स्टैंड पहुँचती है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से बस में बैठकर वो मुंडका पहुँचती है, और वहाँ से वो क्या देखती है? वहाँ से वो एक ऊंचे पुल से मेट्रो ट्रेन को देखती है ना। फिर दिल्ली बस अड्डे पर पहुंचकर रेलवे स्टेशन पर क्या? रेलगाड़ी में बैठ जाती है ना। फिर वहाँ से उतरने के बाद बेंगलुरु स्टेशन पर जब पहुँचते हैं, वहाँ पर उसके मामा उसे कार से लेने आते हैं, है ना। उसके बाद कहाँ से जाते वक्त वो क्या देखती है? नाव, छोटी बड़ी नाव देखती है, और समुद्री जहाज भी देखती है ना। तो उसने कितने सारे यातायात के साधन देख लिए ना, मतलब उसने जमीन पर चलने वाले यातायात के साधन देखे और उनसे सवारी भी की, और उसने पानी पर चलने वाले यातायात के साधन भी देखे। आपको पता है यातायात के साधन 3 प्रकार के होते हैं, जमीन पर चलने वाले जैसे बस, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, रेलगाड़ी, और पानी पर चलने वाले जैसे समुद्री जहाज, नाव, और आसमान में चलने वाले जैसे हवाई जहाज। देखो बच्चों, अब हम ये देखते हैं क्या है, एक कार की तस्वीर दी हुई है, इसमें आपको रंग भरना है बहुत सुंदर सुंदर अपने मनपसंद तरीके से। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, वाहनों के अधिक शोर को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? कोई 2 तरीके कॉपी में लिखो। क्या किया जा सकता है बताओ? देखो, एक तो व्यर्थ में वाहनों में लगे हॉर्नों को नहीं बजाना चाहिए, जैसे किसी को बुलाने के लिए हॉर्न बजाते रहते हैं, है ना, ऐसे नहीं बजाना चाहिए।
अपने वाहन से उतर के उसको आवाज़ लगाकर बुला लेना चाहिए। अगला है, वाहनों का रखरखाव सही ढंग से करना चाहिए ताकि मशीनी खराबी शोर का कारण न बन सके। कई बार क्या होता है, वाहनों में तकनीकी और मशीनी खराबी के कारण उसमें से आवाज़ें आती रहती है, कई बार साइलेंसर ख़राब हो जाता है तो आवाज़ें आती रहती है, तो उनका हमें रख रखाव ढंग से करना चाहिए, उनको दिखा लेना चाहिए मैकेनिक को, है ना, ताकि ध्वनि प्रदूषण ना फैले। और एक और बहुत ही मेन कि हमें सड़क के अब पेज नंबर 124 पर बच्चों देखो ये क्या दिया हुआ है, ये खिलौना बस बनाने के स्टेप्स बताए हुए हैं। एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से और स्केच पेन से ऐसे बस की तरह खिड़कियां ड्रॉ करनी है, तो आपको इस तरीके से एक बस बनानी है, ठीक है, और उसकी फोटो मुझे भी भेजनी है। अगले में क्या है, यातायात के कुछ साधनों के चित्र इकट्ठे करने हैं और उन्हें यहाँ पर चिपकाना है और उनके नाम भी लिखने हैं। और यहाँ क्या करना है, देखो बड़ों से पता करो कि पेट्रोल की बचत के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी सूची बनाओ। आपको ये पूछना है अपने बड़ों से कि उन पेट्रोल की बचत के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उनकी आपको सूची खुद बनानी है, ये काम आपका है, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ हुआ हमारा ये पार्ट कंप्लीट। आपको बड़े अच्छे से समझ के यह वीडियो अच्छे से पूरी देखनी है और समझ के अपनी बुक में। और इसी के साथ हुआ यह पार्ट हमारा कंप्लीट। आपको वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और समझ के अपनी बुक में सारा काम कंप्लीट करना है, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों।